हे गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज मेरे पास एक न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट। तो आज हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी के बारे में। ही इज़ एन इंडियन कॉमेडियन जो अपने काम में काफ़ी सक्सेसफुल है आई थिंक, और इनके वीडियोज़ पर काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं। तो इनका क्या था ना कि एक दो वीडियोज़ में इन्होंने कभी कभी, मैं भी देखा हूँ, मैं पर्सनली इनकी वीडियोज़ देखता हूँ, क्या ही झूठ बोलूँगा, मैं इनकी देखता हूँ, तो लास्ट में इन्हें कभी कभी इन्होंने भगवान के ऊपर इन्होंने जोक मारा है, ठीक है। पर ये वैसा मुझे कभी नहीं फील हुआ कि ये इनका इंटेंशन वो होता है कि ये चोट पहुँचाए सामने वाले को। ये कभी रिलीजियस बिलीव पे नहीं रहे हैं कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग है, ये वैसा कभी नहीं दिखाएं, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है दैट वी नो अबाउट आवर कंट्री, ठीक है। तो ये बस एक था, और एक वीडियो आया है इनका, जो इनका एक शो चल रहा था 4-5 दिन पहले, उसमें एक क्लिप था जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। आप लोग देखो कि एक इंसान ऑडियंस से उठ के उनके पास गया था ये बात करने के लिए कि आप गलत करते हैं, जबकि उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट अपना दिया कि मैं लास्ट में वहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो में कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है मेरे जोक से, मेरा काम है लोगों को हंसाना, मैं बस हंसाता हूँ। सो दिस इज़ द क्लिप, आप लोग पूरी देखना, पूरी बिना देखे आधे में मत जाना, आप लोग पूरा देखोगे तभी समझ आएगा कि क्या हुआ था, पूरा सीन क्या हुआ, एक्चुअली ये क्यों अरेस्ट हुए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। और बेसिक रीजंस जो है वो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि वीडियो है द लल्लन टॉप का, आप लोग उस न्यूज़ में जाके देख सकते हैं कि और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन लोगों ने, ठीक है। नाउ हियर इज द क्लिप। पहले वो जो जोक था, ठीक है, उस जोक में मैंने किसी भी, पहले तो मैं, आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हिंदू देवीदेव नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जोक टेररिज्म और इस्लाम पे, और सेकंड हर वीडियो में ट्रिपल तलाक पे जोक है, मेरा बुर्के पे जोक है, बराबर। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मुझे अलाउ करता है कि मैं आपके धर्म का मजाक उड़ा सकूं। उनको कहने दीजिए, आप उन्हें बोलने दीजिए, आप बोल रहे राम चंद्र गिव अ फक अबाउट, ये क्या है, ये भाषा क्या है भैया, मैंने प्रॉपरली क्लियरिफिकेशन में डाला है कि मेरा काम मजाक उड़ाना किसी का है, मेरा लोगों को हंसाने का काम है, अगर मेरे जोक से किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। और वो वीडियो 15 दिन बाद अपलोड मैंने किया है और आपने उसका एंड नहीं देखा होगा, तो मैंने फर्स्ट इन्होंने जो कहा कि इसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो उसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लियरिफिकेशन डाला है। सेकेंड चीज ये, जयपुर में जो शो कैंसिल हुआ वो कांग्रेस वालों ने या ये जिसने भी करा वो अलग रीजन से कैंसिल हुआ, अलग रीजन से कैंसिल हुआ। मैं ट्रैवल करके जब 1,500 किलोमीटर जाता हूँ और मेरा शो कैंसिल होता है, वो पैंडेमिक में जयपुर की 1.5 लाख रुपए की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, जो लोग बंद कराए उनका कुछ नहीं गया, मेरा भी कुछ नहीं गया, प्रोड्यूसर का 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैंने सार्कास्टिक वे में वीडियो डाला कि इन लोगों ने मेरा शो कैंसिल करा दिया क्योंकि इनकी इनसे ज्यादा मेरी सीट है, ये जोक था, दिस इज नॉट जोक, मैंने ये सही है। और रही बात भगवान की, गोधरा के मजाक की, सर मेरा घर जला था 2002 में, जूनागढ़ में था, मेरा घर जला था, वो जोक मैं आपको एक बार रिपीट करके सुनाऊंगा, आपको अगर बुरा लगा तो मैं बहुत नहीं बुरा लगा, माफी मांग रहा हूं सर, आप एक बार सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं घर पे माफी मांगी, बहुत अच्छी बात है, आप माफ मुझे बोल रहे हैं, ठीक है।
यहाँ ऑडियंस में से किसी को फर्क पड़ता है मुझे फर्क पड़ता है। आप आज यहाँ वादा करिए कि इस तरह का कोई भी गंदा मजाक किसी के भी रिलीजियस को हायर करेंगे नहीं करेंगे, इतना बार वादा कर दो, इतना वादा कर दो। आप बैठिए आप यहाँ आपको ठेस नहीं पहुंचेगी। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सबका फेथ अलग अलग होता है, सब इंसान होते हैं ना, उसका फेथ अलग अलग होता है। मेरे को पत्थर लगता है ना तो मैं ऐसे फेंकता हूँ, मेरी बहन को पत्थर लगता है तो गिर जाती है। वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा शो कैंसिल करने की बात कर रहे हो ना, हम कोई झगड़ा करने नहीं है। हम बात सर, आप बहुत इज्जत और बहुत आबरू के साथ आए इंटरनेट पे, आज कोई भी इंसान लो तेरी माँ का भोसड़ा करता है, ठीक है? आप बहुत इज्जत से आपकी आस्था को जो ठेस लगी है ना वो सच में लगी है। इंटरनेट में जो गाली देते ना उनको ठेस नहीं लगी है, वो फ्रस्ट्रेट है कि भाई लड़कियों के साथ घूम रहा है, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है। इंटरनेट पे आप जो कम्युनिटी में जो गाली देते हैं वो छोड़ दीजिए, वो इंटरनेट वही बोल रहा हूं मैं, इंटरनेट हिंदू नहीं हूं, पहली बात समझो आप। और सर आप वहां से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके लोग ये पीछे से गाली दे रहे हैं। कोई ना रिलैक्स ठीक है छोड़, जाने दे ये बात कर रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं। किसका मजाक? सर मैं ये कह रहा हूँ ना सर भाई धंधा दे रहा हूँ, आप कुछ भी करोगे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो कर रहे हो चलेगा, अरे मुनावर भाई को पता है कैसे हैंडल करना, कर लें दो मिनट कर लें दो फिर हो जाएगा सब। My name is Mona Varikar Faruqi. I was born and brought up in Gujarat.
सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसा कि मुझे अगर ओपिनियन अपना देना पड़े तो मैं इनफैक्ट यही बोलूँगा कि पुलिस के पास भी अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें ये सच में किसी का अपना अपमान कर रहे हो। और ये केस मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल 2020 मई में भी हुआ है, कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेके मुनावर फारूकी और भी 3-4 रोस्टर्स और कॉमेडियंस के बारे में कंप्लेंट हुई थी कि इन लोगों को जेल में डालो। मैं और इस केस में अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जो भी होगा पुलिस सही तरीके से ही करेगी आई होप। लेकिन मुनावर को सच में मेरे हिसाब से अभी रिलीज़ करना होगा क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, अभी आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि वो कहाँ कर रहे। अब अगर उनका वीडियो टेक डाउन कराना है आप वो सब करा सकते हैं, आप इसके लिए जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। और इस रीज़न से आप लोगों जिनको अगर ये मेरी बात सुनकर आपको बुरा लगा हो तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं बस अपने ओपिनियन रखा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, मैं इनफैक्ट मुनावर फारूकी को अभी सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ इस जगह पे, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर इन्फॉर्मेटिव लगी आप लोगों को ये। और प्लीज़ मेरे भी किसी भी बातों का बुरा मत मानना, मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आप लोग भी रखो। और बस शेयर करो अपने दोस्तों को, यार मैं नया हूँ अभी इस यूट्यूब फील्ड में, आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना उधर लाल वाला बटन। तब तक के लिए बाय बाय। पपी गिव मी पपी, पपी गिव मी पपी मो।